आपने गेहूं के आटे की बिस्किट बहुत बार बनाए होंगे, बस एक बार मेरे तरीका से एक खस्ता खजूरी बना के देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। हाय एवरीवन, किचन मैजिक वे सुषमा में आपका स्वागत है। तो आज दिवाली स्पेशल में बना रहे हैं गेहूं के आटा की खस्ता खजूरी। अंदाज से बना के देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लिया है मेजरमेंट के साथ हम बनाने वाले हैं 2 कप आटा, उसी कप से 1 कप सूजी और 2 कप बूरा। आप चीनी पीस के भी ले सकते हैं और 1/2 कप घी। तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालते हैं तो ज्यादा खस्ता होता है। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 5 बादाम कूट के लिए है और 5 काजू, 2 चम्मच व्हाइट तिल डालने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। अब डालेंगे थोड़ा दूध, डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और आप जहाँ से देख रहे हैं उसके नीचे ही सब्सक्राइब के बटन है, उसको दबा दें। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। देखिए अपना मियोनी कितना अच्छा तैयार है। अगर ये मुट्ठी बन जाए तो समझ लिए ठीक है, अगर मुट्ठी नहीं बन रहा है तो थोड़ा और घी डाल दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे। तो देखिए ये अपना आटा मिल चुका है। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अपना आटा भी सेट हो गया है, तो अब फ्राई करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है घी, आप तेल भी ले सकते हैं। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक आटे का मैं खजूरी बना लेते हैं। इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 1 लोई लेंगे, आप जिस शेप में बनाना चाहे उस शेप में बना सकते हैं। ये फिर दूसरे में मिला देंगे। ऐसे करके ही हम सारा काट लेंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसमें और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। घर में सब बड़े पसंद करते हैं, तो आप लोग जरूर बनाइए। घी गरम हो गया है, अब इसमें हम फ्राई करने के लिए खजूरी डालेंगे। एक साथ में आप जितना डालना चाहे डाल सकते हैं। देखिए इस मेजरमेंट के साथ अगर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। थोड़ा इसको पलटाने में घाई घाई नहीं करिएगा, नहीं तो ये टूट जाता है, सॉफ्ट होता है ज्यादा। इसके लिए इसको ना बहुत आराम से
पलटाना पड़ता है। देखिए लाल हो गया है, हम अब इसको निकाल लेंगे।